फरुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां घर के बाहर खेल रही 5 साल की मासूम बच्ची अचानक 60 फीट गहरे बोरवेल में गिर गई, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। आनन फानन में स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस और सेना के जवान मौके पर पहुंचे और बचाव कार्य शुरू किया। बोरवेल में ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू की गई, अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन को 18 घंटे से ज्यादा का वक्त बीत चुका है। बताया जा रहा है कि सीमा बोरवेल में सुरक्षित है और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बोरिंग करते थे तो खाना खान चले गए, वाली बच्चा ने खेलते थे। कौन सा लोग? हमारी भतीजी है। क्या नाम? तो सीमा। किसने बोरिंग कराई थी? कब से चल रही थी बोरिंग? कुछ नहीं, कल आज लग गया। तो आज गई है बोरिंग के अंदर? हाँ। क्या घंटा हुई है? ढाई बजे गए। 7 वर्ष के बीच में है, वो बोरवेल में गिर गई है, तो उसके पैरेलल में एक गड्ढा करके उसको निकालने की कार्रवाई की जा रही है। अब वॉल रिटेनिंग वगैरह, क्योंकि मिट्टी जो है वो बहुत भुरभुरी है, तो बार बार जैसे ही जो है अंदर डिक किया जा रहा है, मिट्टी नीचे गिर जा रही है, तो उसके लिए वॉल रिटेनिंग वगैरह के लिए और अपरेटस मंगाए गए हैं, और शीघ्र ही हम लोग जो है बच्ची को जो है बाहर सुरक्षित निकाल लेंगे। सीमा को बचाने के लिए आगरा से सेना की दूसरी टुकड़ी भी मौके पर पहुंच चुकी है। सेना के सैकड़ों जवान ऑपरेशन में लगे हुए हैं और बच्ची को सकुशल बाहर निकालने के सेना के जवान भी जी जान से जुटे हुए हैं और ग्रामीण बच्चे की सलामती की दुआ मांग रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए फरुखाबाद से दिलीप कटियार की रिपोर्ट।